आज जो ये मेडिकल कैंप हो रहा है इसमें पहले तो डिजिटल थर्मामीटर से सबके बॉडी का टेम्परेचर और उसके साथ साथ ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल और पल्स लेवल चेक किया जाता है। ये एक्चुअली प्रिलिमिनरी प्रिकॉशन है। गांव में आज वर्सोवा विलेज के परिसर में 106 के करीब पेशेंट यहाँ पे ट्रेस हुए थे, तो वो जो ट्रेस हुए हैं ये संख्या और बढ़नी नहीं चाहिए करके शिवसेना के यहाँ की नगर सेविका जो है प्रतिमा का खोपड़े, उनके माध्यम से हर जगह पे ज़्यादा करके स्लम एरिया में कैंप लगाए जा रहे हैं। हम ये स्लम एरिया होने के कारण ये बहुत बड़ी डेंसिटी है, पॉपुलेशन उसमें ज़्यादा है। शायद ऐसा होता है कि कभी कभी शिवसेना और बीएमसी पूरी जगह घूम नहीं पाते, तो हमने यहाँ के जो समाज सेवक हैं अजय कौल सर, उनसे विनती की कि आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि उनको समाज सेवा करने का शौक ज़्यादा है, उनकी चाहत है समाज सेवा करने की। हमारे साथ जुड़े रहिए, आप भी अपनी तरफ से कुछ डॉक्टर बुला के ये डिजिटल थर्मोमीटर और ऑक्सीमीटर लगा के लोगों का चेकिंग करना शुरू करें प्रिलिमिनरी, ताकि अगर कुछ वैसे पेशेंट उस टाइप के मिलते हैं तो प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर के हिसाब से वो लोग आइसोलेशन या क्वारंटाइन में भेजे जाएंगे। ऐसा एक प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर हमने बनाया कि उस हिसाब से अजय कौल सर खुद बीमार होने के बावजूद उन्होंने ये सहयोग दिया। उन्होंने आरसिन एल्बम 30 टैबलेट भी यहाँ पे 5,000 के आसपास फैमिली को यहाँ पे टैबलेट दी गई है, ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़ा सके और कोरोना को हराने में कम से कम ये वर्सोवा बीएमसी 59 वार्ड से मदद हो सके। इस हिसाब से शिवसेना और अजय कौल सर की एकता मंच दोनों साथ में हाथ से हाथ मिला के, और हमारे जो यहाँ के विलेज के लोग हैं, हर एक गली के अध्यक्ष हैं, नाकवा के हैं, पवित्र मांझी है, उनसे सचिन हमारे सिराज भाई है, हमारे उपशाखा प्रमुख यहाँ पे ये है, तो उनके माध्यम से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। और सर का, अजय सर का हम आभार मानते हैं कि हमारे एक आवाज़ पे उन्होंने ये पूरा सहयोग दिया है। इस तरीके से शिवसेना शाखा क्रमांक 59 उनकी आभारी रहे। जी मैम, आपका क्या कहना है? मेरा भी वही कहना है जैसे शेट्टी साहब ने बोला है कि हम लोग जब स्टार्टिंग से ही, जब से ये कोरोना का स्टार्ट हुआ तब से हम लोग बहुत सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें अजय सर का भी बहुत सारा सहयोग है और अब तक कर रहे हैं। सर को जब हम लोग ने ये बात बताई कि हमें और ज़्यादा से ज़्यादा कैंप लगाने हैं, तो उन्होंने जो सहकार्य किया, उन्होंने जो डॉक्टर की टीम हमें दी, वो आप पीछे देख ही रहे कि वो चालू है, और आज से वो पूरे वर्सोवा में हम लोग कैंप लगाएंगे। उसमें हमारे साथ वर्सोवा के सब अध्यक्ष हैं, सचिन जी जी, सिराज भाई है, अभी शिव गली के अध्यक्ष अपने पवित्र भांजी है, हम लोग सभी लोगों को लेकर ये कैंप लगा रहे हैं। उसमें सर का जो सहयोग है, हम लोग उनके आभारी रहेंगे। और सर ने सिर्फ ही कैंप के लिए नहीं, सर ने हमें जो होम्योपैथिक दवाई है वो भी उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया वर्सोवा में, और हमें भी मदद कर रहे हैं। हमारी बीएमसी भी, हमारा कैंप ऑलरेडी हुआ है, 6-7 कैंप हो गया है, आज भी कैंप शास्त्री नगर में है, और हम लोग ऐसे सोच रहे हैं कि सर जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हमें मदद करें, जिनके जो अपना वो वर्सोवा में 0 ये हो जाए, पेशेंट अभी एक भी ना मिले, हम लोग के यही विचार है। तो उसमें सर ने हमें बहुत सहयोग किया है, और बाकी तो ऑलरेडी सब एक्टिविटी बहुत सारी चालू ही है, उसमें सभी लोगों का सहयोग है। कहीं पर ऐसा होता है मैम कि बहुत से लोग बाहर निकलते हैं डर के मारे कि कहीं मुझे हो गया तो मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा, इस पर आपको उन लोगों के आते हैं क्या कहेंगे उन लोगों को? हम लोगों से यही विनती करेंगे कि इसमें डरने की कोई बात नहीं, कोरोना मतलब हम लोग कुछ अछूत का ये ऐसा कुछ हुआ नहीं है ये, बल्कि लोगों को अगर बुखार है तो हम लोग रिक्वेस्ट यही करेंगे, लोगों ने आगे आना चाहिए, अपना बुखार दिखाना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग टाइम पे जो है
एक दो दिन में अगर बुखार है तो टाइम पे हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं, बीएमसी के डॉक्टर दे सकते हैं, और ऐसी जो हमारे सर जैसी संस्था, जो सर जैसे डॉक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमें मदद कर सकते हैं। टाइम पे अगर ट्रीटमेंट हो तो ये कोरोना पूरा हम लोग ये कर सकते हैं। इसमें एक बात है ऐसी है जो आपने बात छिड़ी कि लोग डरते हैं, तो शिवसेना ने ये विचार किया था मुख्यमंत्री साहब ने, हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है अनिल परब साहब, कि भले वो बीएमसी के सेंटर में नहीं आवे लेकिन उनके फैमिली डॉक्टर के पास तो जा सकते हैं। तो फैमिली डॉक्टर को हमने परसों से पीपी किट 70 जीपीएम की पीपी किट वितरित करना शुरू किए, जो रीयूजेबल है, वॉशेबल है। एक सेट दिया गया है, उनको आश्वस्त किया है कि और एक सेट आपको दिया जाएगा नेक्स्ट वीक में। आप डिस्पेंसरी खोलो, आपके पास पेशेंट आएंगे, आप उनको आश्वस्त करो कि कोरोना से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, खाली प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। ये फिजिकल डिस्टेंस और बार बार हाथ धोना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, ये तीन चीज़ अगर यहाँ पे आप प्रॉपरली यूज़ करोगे, और जहाँ जहाँ पे ऐसे कैंप लगते हैं वहाँ पे आके थर्मल चेकिंग भी करोगे, तो आपको प्रिवेंटिव आपको समझ में आएगा कि हमको क्या करना है। तो इस हिसाब से ये भी कदम हमने उठाए हैं ताकि लोगों में वो डर कम हो। नमस्कार, मेरा नाम सिराज हैदादे है और मैं वर्सोवा कोकनी सुनी जमा ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। जब से ये महामारी शुरू हुई है तब से ये हमारा गांव वर्सोवा जिस मेहनत से, जिस लगन से यहाँ पर जो लोग लड़ रहे हैं, जो आप ट्रस्ट यहाँ पर देख रहे हैं, उन्होंने जिस मेहनत से काम किया है, अभी हमने 106 का तो आपको आंकड़ा बता दिया, हमने आपको ये नहीं बताया कि 85 लोग वापस आ गए। तो 85 लोग जो वापस आए हैं उसके पीछे जो मेहनत हुई है, जो हमारे गांव के लोगों ने, जो हमारे अध्यक्षों ने की है, जो हमारे इलेक्टेड डिप्टी ने की है, और उसमें सबसे बड़ा नाम आता है अजय पाल सर, जो CWC के प्राचार्य भी है, मोहल्ला कमेटी मूवमेंट ट्रस्ट के ट्रस्टी भी है। तो जिस दिन से ये काम शुरू किया है उन्होंने, पहला काम उन्होंने किया सिक्योरिटी किट्स उन्होंने बांटे, जिसमें हैंड ग्लव्स थे, जिसमें सैनिटाइजर था, जिसमें उन्होंने फेस मास्क बांटे। बाद में उसके बाद डॉक्टर्स के लिए उन्होंने क्लिनिक्स चालू करने को कहा, पीपी किट्स अपनी तरफ से उन्होंने उनको दिए, साथ ही साथ फूड पैकेट्स बांटना, राशन बांटना, ये तो कॉमन बात थी, कई महीनों से, कई दिनों से काम चल रहा है। बाद में उन्होंने अपने स्कूल में होम्योपैथिक क्लिनिक लगा दी, हज़ारों की संख्या में होम्योपैथिक जो गोलियाँ होती है वो वर्सोवा में बांट दी। माइग्रेंट वर्कर्स के लिए उन्होंने स्कूल में मेडिकल चेकअप लगा दिया। इस तरह से वो काम करते जा रहे हैं, भगवान उनको लंबी उम्र दे, कुछ बीमार होने के बाद भी उनका काम कभी रुका नहीं है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारी वर्सोवा है, ये जो गांव है, ये एक मुंबई के लिए मिसाल है, क्योंकि जैसे आप मेरे बाजू में देख रही है मेरे कोली बंधु साथ में बैठे हुए, साथ में मिलजुल के हम लोगों ने इस लड़ाई को शुरू किया था, लड़ाई जारी है, लड़ाई चलती रहेगी, और इसमें जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वर्सोवा के, वो साथ में है, अजय कौल सर साथ में है, तो ये जंग जारी रहेगा। सर आप करेंगे सर रविंद्र भांजे है, मैं वैसा शुरू कर कोई समर्थ ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ। मैं सर्वप्रथम अजय सर के मोहल्ला कमेटी के माध्यम से और हमारी नगर सेविका की प्रतिभा खोपड़े कार्यशील नगर सेविका, उन्होंने जो यहाँ मेडिकल कैंप लगाया है, सर्वप्रथम मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि अपने शुगर में बहुत सा स्लम एरिया है और स्लम एरिया में बहुत सी बीमारी ज़्यादा फैलती है, तो सर्वप्रथम यहाँ आपने कैंप लगाया और सब नागरिकों को चेकअप किया, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और अपने जो सब भाई लोग हैं वो भी सब हमारे साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम सचिन चिंते है, मैं वैसा का चेयरमैन। जब से ये कोरोना की महामारी चालू हुई और लॉकडाउन चालू हो गया, तब से हम लोग गांव में सब काम कर रहे हैं, गांव में पूरा कर्फ्यू लगाया हम लोगों ने, और इसमें हम लोग
कुकनी सिटी जमात के चेयरमैन वगैरह सब लोग थे और हम लोगों ने बहुत मतलब इतना मतलब एक काम किया है कि अब गाँव में बोल नहीं सकता। हमारे गांव में हमारे गली में पहले डुबरी गली में पहला पेशेंट मिला, अपने गांव में पूरा 106 पेशेंट मिले हैं, उसमें से 85 पेशेंट हम लोग के वापस आए हैं। इसके लिए अजय सर ने हम लोग को बहुत हेल्प किया है। हम लोगों ने फीवर क्लिनिक के 5 क्लिनिक खोले, उसमें सब पीपीई किट और छत्रपति का गोलिया वगैरह हम लोग ने सबको ये करके प्रोवाइड किया है। और राजय सर और अनिता दाई ने बहुत हम लोग को हेल्प किया है, उनका धन्यवाद। जो आप ये कैंप देख रहे हैं इसका इनिशिएटिव अजय कौल सर जो CWC स्कूल के प्रिंसिपल हैं और उनके संयुक्त विद्वानंद से हमारी प्रतिमा ताई खोपड़े जो यहाँ के नगर सेविका है उन्होंने साथ ही साथ में बहुत सारे कैंप्स कई जगह पे लगाए थे। तो ये कैंप का वैशिष्ट्य ऐसा है कि इसमें थर्मल स्क्रीनिंग प्लस ऑक्सीमीटर, जिसमें क्या होता है कोरोना से लड़ने की एक ताकत हमें जो शुरुआत से मिलनी चाहिए वो मिलती है, क्योंकि कोरोना का कोई भी सिम्टम्स न होने पर सबसे पहला सिम्टम जो है आदमी का ऑक्सीजन कम होना। वो ऑक्सीजन कम होने के बाद जो हम लोग को उसमें आदमी में प्रतिक्रिया दिखती है उसमें कोई भी सिम्टम न होने पर भी उसका ऑक्सीजन कम होता है, मतलब ही इज अ टेंड टू हैव कोरोना। तो उसके लिए हम लोग ने नज़दीकी अस्पताल में अरेंजमेंट भी किया है, उसके लिए फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन भी रेडी रखा है। तो उस माध्यम से ये स्क्रीनिंग पूरे वर्सोवा गांव में चलेगी और वर्सोवा गांव के सभी अध्यक्षों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उनका सपोर्ट है, क्योंकि एक टीम वर्क से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और मैं सभी को एक वादा करने की मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग को वर्सोवा गाँव ये हम लोग को कोरोना मुक्त करना है और इसके बाद वर्सोवा गांव ही नहीं हम लोग को पूरा मुंबई कोरोना मुक्त करना है, जिससे हम एक अच्छा जीवन आगे जीवन शैली पे आ सके और जो इकोनॉमिक इम्बैलेंस हुआ है उसको वापस एक लाइन पे ला सकते हैं।